बोलते इन्वेस्टर को आप सबको स्वागत है। तो चलिए हम आज के कुछ बेहतरीन स्टॉक के बारे में एनालिसिस करते हैं, देखते हैं आज ये सारे स्टॉक्स कैसे परफॉर्म किए। तो सबसे पहले बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस आज 72 रुपीज़ था और हम देख सकते हैं यहाँ पर वन डे का चार्ट आप देख सकते हैं, जब मार्केट ओपन हुआ तो 70 रुपीज़ 55 पैसा में ये मार्केट ओपन हुआ था। फिर लगभग 12 बजे के आसपास इसका शेयर प्राइस थोड़ा डाउन चला, जो कि 68 रुपीज़, और आप यहां देख सकते हैं इस टाइम आपका थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है। 3 बजे के आसपास आपका शेयर प्राइस चल गया था 72 रुपीज़ 90 पैसा में और मार्केट क्लोज होते होते इसका प्राइस 72 रुपीज़ 5 पैसा में आ गया। तो चलिए एक बार देखते हैं ये हमारा एक साल में कितना रिटर्न प्रोवाइड किया है। बेहतरीन रिटर्न 109% का रिटर्न एक साल में दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 7 दिसंबर 2021 में 34 रुपीज़ का था, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया है शेयर प्राइस, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। और 5 साल का रिटर्न हम देखें तो बहुत 5 साल में भी बहुत अच्छा रिटर्न 261% का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। 5 साल पहले इसका शेयर प्राइस ओनली 19 रुपीज़ था और आज का डेट में शेयर प्राइस 72 रुपीज़ हो गया, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड किया। मैक्सिमम देखा जाए तो ये 264%, मतलब अपने इन्वेस्टर को कभी निराश नहीं किया, बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करके बैठा है। तो आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसका डिटेल एनालिसिस कीजिए, और इसका फंडामेंटल एनालिसिस आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसका डिटेल वीडियो आपको फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके आपको दे दूंगा, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। तो चलिए हम अपने अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, जो कि है इन्फोसिस। देखते हैं आज इन्फोसिस कैसे आपका परफॉर्म किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आज इन्फोसिस 1.57% डाउन है, मतलब इतना ज़्यादा कुछ इसमें खास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखने को नहीं मिला, एक ही लेवल पे देखा जाए तो मेंटेन किया। मार्केट जब ओपन हुआ तो 1625 रुपीज़ में ओपन हुआ और क्लोज होते होते ये 1614 रुपीज़, मतलब लगभग 25 रुपीज़ का लॉस में ये आज चला है। फिर भी देखते हैं हम इसका वन ईयर का रिटर्न देखते हैं तो वन ईयर से भी ये अपना प्राइस वैल्यू से नीचे ही चल रहा है, -5%, मतलब 97 रुपीज़ डाउन चल रहा है। और 5 साल का रिटर्न देखें तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न आप देख सकते हैं, 5 साल पहले इसका प्राइस ओनली 500 रुपीज़ था और आज के डेट में ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, मतलब 1614 रुपीज़, मतलब 222%, 1113 रुपीज़ का इंक्रीमेंट प्रोवाइड किया है। और मैक्सिमम कर देंगे तो आप देख सकते हैं 13825 रुपीज़ का ये अपने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है। तो दोस्तों इसका डिटेल फाइनालिसिस इन्फोसिस का मेरे चैनल में है, आप जाके वहाँ से सर्च करके आप इसका डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस देख सकते हैं। मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली इसमें विजिट करके इसका डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो चलिए अभी हम हमारा तीसरा शेयर जो कि सुजलन एनर्जी उसके पास चलते हैं। तो सुजलन एनर्जी का शेयर प्राइस अभी 10 रुपीज़ 20 पैसा में है, ये आज उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। आप देख सकते हैं जब मार्केट ओपन हुआ तो 10 रुपीज़ 5 पैसा में ओपन हुआ, क्लोज होते होते आप यहां देख सकते हैं 10 रुपीज़ 20 पैसा में क्लोज हुआ। अब यहां पे सिर्फ एक ही जगह में इसका प्राइस हाई गया था 10 रुपये 40 पैसा में, लेकिन उतना अच्छा कुछ खास ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इसमें देखने को नहीं मिला। चलिए इसके वन ईयर का रिटर्न देखते हैं, 58% बेहतरीन रिटर्न आप देख सकते हैं। वन ईयर पहले इसका प्राइस 6 रुपीज़ 43 पैसे में चल रहा था और आज के डेट में 10 रुपीज़ हुआ है। तो चलिए देखते हैं 5 साल में इसका रिटर्न डाउन ही दिखा रहा है। 5 साल पहले आपका ये 12 रुपये का शेयर था और बहुत ही यहाँ पे डिप आप देखने को मिल रहा है ये फेज में, शायद ये कोविड की वजह से, और उसके बाद ये धीरे धीरे अपना थोड़ा सा हाइप बढ़ा रहा है। फिर भी ये डाउन -20% डाउन में ही चल रहा है 5 साल में। तो मैक्सिमम कर देंगे तो मैक्सिमम में भी ये बहुत ही डाउन, अपने 120-3 का शेयर आज 10 रुपीज़ में पहुंच गया। सुजलन एनर्जी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, फिर भी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने सूझ बूझ से इन्वेस्टमेंट कीजिए और इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट को अच्छे से पढ़िए, बिजनेस को अच्छे से जानिए, आपको अच्छा लगा तो जाकर इन्वेस्टमेंट कीजिए।
चलिए देखते हैं पीएनबी कैसा आज परफॉर्म किया है। पंजाब नेशनल बैंक आप देख सकते हैं यहाँ पर वो भी इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। मार्केट जब ओपन हुआ तो 55 रुपीज़ में ओपन हुआ था और क्लोज होते होते वही 55-45 पैसे में क्लोज़ हुआ। उतना कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। हाँ यहाँ पर एक वो 57 रुपीज़ 20 पैसे में पहुँच गया था 950 को, लेकिन उसके बाद ये डाउन में ही चला रहा और उसके बाद एक ही लेवल मेंटेन करते करते आपका ये 3:30 बजे आपका 55 रुपीज़ 45 में ही क्लोज हुआ। चलिए इसका 1 ईयर का रिटर्न देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इसका 1 ईयर में 16% रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। मतलब 2021 दिसंबर में इसका प्राइस 38 रुपीज़ 50 पैसा था और आज के डेट में 55 रुपीज़ से मतलब पर शेयर ये 16 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है। चलिए देखते हैं इसका पास्ट 5 ईयर में ये आपको -67 मतलब लॉस में ही दिखा रहा है और मैक्सिमम कर दे तो आप यहाँ 641 का मैक्सिमम दिखा रहा है। मतलब 2002 में इसका शेयर प्राइस 7 रुपीज़ 48 पैसा और आज के डेट में 55। अगर लॉन्ग टर्म में किसी ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठा होगा तो डेफिनेटली वो अच्छा रिटर्न कमाया होगा। तो दोस्तों अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पीएनबी में पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक में तो इसके बारे में डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट को अच्छे से पढ़िए। आपको अच्छा लगा तो आपके सूझबूझ से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। चलिए हम हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं जो कि IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये भी आज उतना कुछ ज़्यादा खास अपने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के नहीं दिया। -2.75 रुपीज़ का लॉस मतलब से 2.75 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है। मार्केट जब ओपन हुआ तो 150 में ओपन हुआ 150-75 पैसे में और क्लोज होते होते 148.25। उतना कुछ इसमें एक ही लेवल ये मेंटेन करके चला है तो उतना कुछ इंक्रीमेंट इसमें देखने को नहीं मिला। चलिए इसका 1 साल का रिटर्न हम लोग देख लेते हैं। 1 साल में भी ये डाउन 106% का लॉस में दिखा रहा है, -41% का लॉस। और 5 साल का रिटर्न देखें तो वो 186। 5 साल में अगर कोई 5 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा मतलब आप 2017 दिसंबर को तो इसका शेयर प्राइस तब 51 रुपीज़ में चल रहा था और अभी आपका इसका प्राइस 148 रुपीज़ चल रहा है। मतलब 186 का रिटर्न 5 साल में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करके ये अपना इन्वेस्टर को बना के दिया है। तो दोस्तों अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट को अच्छे से पढ़िए। चलिए हम अपना नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं जो कि है IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। मतलब रेलवे इंडस्ट्री में जितने भी काम होता है उस ये कंपनी उसको फाइनेंस प्रोवाइड करती है। इसका स्टॉक प्राइस अभी 32.90 में चल रहा है। आज के दिन में ये भी कुछ ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ओपन के टाइम 33 रुपीज़ 10 पैसा था, मार्केट क्लोज के वक्त ये 32 रुपीज़ 90 पैसा। मतलब इसमें लॉस मतलब इतना कुछ ज़्यादा आपका बेहतरीन रिटर्न ये प्रोवाइड नहीं किया आज के दिन में। अपना जो भी इसमें ट्रेडिंग किया होगा उतना कुछ खास रिटर्न नहीं मिला अपना इन्वेस्टर को। चलिए इसका 1 ईयर का रिटर्न देख लेते हैं। 1 ईयर में 41% जो कि काफ़ी ठीक ठाक है ये जो रिटर्न। और इसका अगर हम लोग 5 साल का रिटर्न के बारे में बात किए तो 32% का रिटर्न प्रोवाइड किए। 5 साल पहले इसका शेयर स्टॉक प्राइस 24 रुपीज़ में दिखा रहा था और आज 32 रुपीज़ में दिखा रहा है। तो अभी इसका मैक्सिमम भी कर लेते हैं। मैक्सिमम में भी वो वही 32.66% उतना ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड नहीं किया है, फिर भी एक हिसाब से ठीक ठाक रिटर्न प्रोवाइड किया है। पर शेयर 8 रुपीज़ इंक्रीमेंट हुआ है। तो दोस्तों अगर आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जाकर इन्वेस्टमेंट कीजिए। चलिए हम हमारा निफ्टी 50 का चार्ट को एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी 50 में किस तरह से क्या बदलाव आज हुआ है। निफ्टी 50 आज 58 पॉइंट लूज किया है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर 18,600 में मार्केट ओपन हुआ था, क्लोज होते होते 18,642 में क्लोज हुआ है। मतलब आज कुछ पॉइंट डाउन है मार्केट, मतलब उतना मतलब इंक्रीमेंट फ्लक्चुएट नहीं हुआ है, फिर भी आज मार्केट थोड़ा नीचे गया इसलिए सारे शेयर्स थोड़ा नीचे दिखा रहे हैं। तो चलिए हम लोग ये था आज डिटेल आपका कुछ शेयर्स के बारे में। मैं कुछ स्टॉक के मतलब फंडामेंटल एनालिसिस भी करता हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर कुछ
स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस भी देख सकते हैं, और आप कौन से स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, हमारा इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमें आपका सपोर्ट दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।